अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हमारे आज के व्लॉग में हमारे पास एक बीट से 2008 मॉडल गाड़ी आई है। तो हमने उस गाड़ी का ऑयल नीचे उतारा है, भाई आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी हमने इसका गाड़ी का ऑयल नीचे उतारा है, हमने इसका प्लग खोला है, प्लग में गंदगी थी, हमने प्लग साफ किया। तो भाई हमने गाड़ी का नेट फिल्टर खोला है। तो भाई अभी हम ऑयल ला के ऑयल चेक करेंगे, उसके बाद इसका प्लग बराबर करेंगे। हमने भी इसका प्लग का नोक भी बराबर किया है। तो अभी हमने प्लग साफ किए, तो अभी हम गाड़ी में पहले स्प्रे करेंगे अंदर में पिस्टन में, उसके बाद फिर इसका प्लग फिटिंग करेंगे। इसके साथ हमारे पास एक डासन आई है, 92 मॉडल डासन। तो इस गाड़ी का ब्रेक का थोड़ा कुछ मसला है, वो भी चेक करेंगे हम। तो दोस्तों अभी हमारा शरीर इसका ये फ्रेम वाला कबले टाइट कर रहा है। नंबर वन स्टैंड प्लग डालेंगे, उसके बाद नंबर टू, उसके बाद नंबर थ्री, उसके अंदर नंबर फोर। तो अभी हम इसको टेस्ट करेंगे। बाकी चाहिए तो डासन का टेयर खोल रहा है इस टाइम, उसका टेयर के एडजस्ट करना है पीछे वाला। तो दोस्तों अभी हम इसका प्लग टाइट करेंगे वन बाय वन। दोस्तों हमारा चारों प्लग टाइट हो गया, अभी हम इसको नंबर वन कॉइल डालेंगे, उसके बाद नंबर टू, उसके बाद नंबर थ्री डालेंगे, उसके बाद नंबर फोर। इसके कवर टेट करेंगे कॉइल वाला। टेट करता है। तो अभी हम इस गाड़ी में फिल्टर फिट करेंगे। तो अभी हमने इसमें ऑयल भी डाला, इसका ढकना भी टेट किया, गेज भी नया फिट किया, वो भी हम गाड़ी स्टार्ट करके चेक करेंगे। दोस्तों अभी हम इस गाड़ी का किलोमीटर जरूर करेंगे। अभी ट्रिप ए भी जरूर करेंगे इसका। तो अभी हमारा किलोमीटर जरूर हो गया दोस्तों। तो अभी हम उस डासन का काम करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास एक क्रोला 2003 मॉडल गाड़ी आई है, अभी हम उस गाड़ी का प्लग खोलेंगे। तो अभी हम ये नया वाला इंजन वाला प्लग लाया है, वो चेक करेंगे। तो हमारा लिया बस उस्ताद इस वक्त प्लग खोल रहा है, सबसे पहले एक कवर खोलेगा। अभी अलिया बस ने कब खोला है, अभी इसका प्लग निकालेगा बाहर। चलिए बस उस्ताद प्लग निकालो। अभी अली बस साथ कॉइल निकाल रहा है, अभी प्लग निकालेगा।
तो देखो दोस्तों, हमारा पुराना प्लग मुकम्मल ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों अभी हमने स्प्रे किया, अभी हम नया वाला प्लग फिट करेंगे गाड़ी में। हमने इस गाड़ी के एक्सेल फिट किया है, तो अभी हम गाड़ी में एडजस्ट करेंगे। तो हमारे पास 2011 मॉडल प्रेमो गाड़ी ऑयल चेंज के लिए आई है, हमने इसका ऑयल उतारा है नीचे। अभी हम नेक्स्ट, तो हमारे पास 2011 मॉडल का एक और गाड़ी आई है ऑयल चेंज करवाने के लिए, उसको ऑयल उतारते हैं। तो दोस्तों अभी हम इस गाड़ी का सबसे पहले नट ढीला करेंगे, उसके बाद इसका फिल्टर लूज़ करेंगे। तो हमारे पास 2011 मॉडल गाड़ी है, एक जी सुपीरियर है प्रेमो है, एक एक्स प्रेमो है। दो यार, हमने इन दोनों गाड़ियों को आयल नीचे उतारा है। उसके बाद ये करोला 2003 मॉडल गाड़ी है, ये डासन है। तो अभी हम सबसे पहले इसका ये 2011 मॉडल एक्स प्रेमो का ऑयल फिटिंग करेंगे। अरे बस उस्ताद, चल 14 का चाय पी लो। दोस्तों अभी हम ये 11 मॉडल का सबसे पहले जमला गन्नर लगाएंगे। जमला गन्नर लगाने के बाद जमला गन्नर टेट करेंगे। उसके बाद हम इसके फिल्टर लगाएंगे, जमला गन्नर की जगह साफ करेंगे, उसके बाद फिल्टर की जगह साफ करेंगे, उसके बाद हम इसके फिल्टर लगाएंगे। नया वाला फिल्टर फिट किया है, अभी इसका नया वाला फिल्टर लगाएंगे। ये वाला मैटर ज़ीरो करेंगे, उसके बाद ट्रिप भी इसका ज़ीरो करेंगे, उसके बाद इसका और आप। अभी हम इसका नेट फिल्टर चेक करते हैं। तो इसका फिल्टर भी सही है, इसका नेट भी सही है। तो अभी हमारा एक गाड़ी का काम पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों।